नहीं सुनो, जब मम्मी बूढ़ी हो जाएगी तो इंदु पुट्टी बना के खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और इन्हें ये देखिए लेटे हुए हैं, ये गुस्सा नाराज होकर के लेटे हुए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 7, तो मैं इसको उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे हैं। उठो उठो बाबू, उठो। सॉरी सॉरी सॉरी। इनको ग्रेप्स के लिए गुस्सा है क्योंकि इनको ग्रेप्स नहीं मिल रहे हैं और इनको खाने हैं ग्रेप्स। और इन्होंने ये पर्दे तोड़ दिए हैं, ये पीछे लगे थे ना पर्दे, इसमें झूला झूल लिए तो टूट गया। इस तरह की हालत की है तो उसी में इसको डांट पड़ी हुई है और ये गुस्सा लेटे हुए हैं, है ना इनू? तो हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं किचन में और बनाने वाले हैं आलू और मेथी की सब्जी। मैंने आपको बोला ही था कि मैं आलू मेथी और सब्जी बनाने वाली हूँ, तो वही आलू मेथी की सब्जी आज हम बनाने वाले हैं। इसी क्या, तो वो चलते हैं और वो भी बिना मसाले की, हम उसमें कोई मसाला वगैरह प्रयोग नहीं करेंगे आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए। तो आप लोग भी देखिएगा कि विदाउट थोड़ा सा ऑयल यूज किया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी है। आलू एक बार ज़रूर ट्राई करिए घर में, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि अगर आप मसाले वगैरह नहीं खाते, ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, तो आप इस तरीके से बनाइएगा सब्जी आलू मेथी की, तो बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी तैयार होगी। तो चलते हैं हम लोग किचन में, तो किचन में बनाएंगे आलू और मेथी की बिल्कुल सूखी सब्जी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बिना मसाले वाली। तो मैं सोचा तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं सोचा चलो इन्हों को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं पहले, वरना वो जहाँ खाना खाता है फिर इसके बाद उसके पापा आते तो वो सीधे सोने चला जाता है। तो मैं सोचा कि पहले इसको थोड़ा सा एसटीडी करवा देते हैं, तो जैसे व्हाट इज दिस व्हाट, तो ये सब चीज़ें, तो इसमें जो चित्र वगैरह बने हुए थे, चित्र वाली बुकें थी, तो उस चित्र को के जरिए मैं इसको पूछ रही थी कि जो काऊ के बेबी हैं तो उनको क्या बोलते हैं, और जैसे कि कैट के बेबी हैं तो इनको क्या बोलते हैं। तो मैं इसको इसी के बारे में इसको पढ़ा रही थी, और इसको इंटरेस्ट और इसको गोदी में लेके पढ़ाना पड़ता है वरना ये भाग जाता है, ये पढ़ने में कम बैठता है। तो इसी तरह से इसको मन का पहले इसको पढ़ाते बाद में फिर खाना बनाएंगे। तो मैं इसके बाद आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाने जा रही हूँ आलू और मेथी की सब्जी। तो ये मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाऊँगी क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना, मतलब जो हरी सब्जियाँ होती हैं उसमें का भरपूर आयरन मिलता है, तो लोहे की कढ़ाई में हमेशा खाना बनाना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ आलू और मेथी की सब्जी, तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है और मैं इसमें पहले जीरा डाल दी थोड़ी सी, और जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। तो लहसुन को हम फ्राई होने देते हैं ताकि इसमें अच्छे से कलर वगैरह आ जाए। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, और आलू को भी हम इसमें फ्राई होने देंगे। तो हम सारी आलू इसमें पहले डाल देते हैं और इसको चलाते जाएंगे, और आलू चलाने के बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए ना इसको ढक देंगे ताकि जो आलू है वो थोड़ी सी अधपकी टाइप हो जाए, क्योंकि हरी सब्जियाँ हैं ना, तो हरी सब्जी थोड़ा सा कम आँच में पक जाती हैं, पर आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने आलू को थोड़ा सा पकने के लिए सबसे पहले ढक दिया था। तो हम इसको अच्छे से चला देंगे, और चलाने के बाद हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर ताकि इसमें थोड़ा सा जो कलर आ जाए। तो इसमें कलर के लिए हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम नमक डाल देंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसको अब अच्छे से चला देंगे ताकि इसमें अच्छे से जो कलर है वो आलू पे पूरे लग जाए, येलो वाला कलर, जिससे देखने में बहुत अच्छी लगेगी सब्जी, और बिल्कुल भी चेक नहीं होगा कि इसमें क्या मसाले पड़े हैं, और बिल्कुल भी उसमें हमने मसाले नहीं डाले, ये आप लोगों ने भी देखा है। और इस तरह से हम बनाएंगे आलू मेथी की सब्जी। तो इसको अच्छे से चलाते हैं हम, तो इसके बाद आलू को चलाने के बाद फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे मेथी, और मेथी डालने के बाद देखिए ये इसको हम चला देंगे क्योंकि हमारा आलू है वो तो हल्का हल्का अधपका है ही, और सब मेथी डाल देंगे ताकि ये भी पक जाए, और इसको हम चलाते रहेंगे और चला चला कर इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसको पहले डाल देते हैं मेथी, तो हम इसको कुछ टाइम के लिए देखिए ये उसने पानी छोड़ दिया, तो कुछ टाइम के लिए ढक देते हैं ताकि जो मेथी है वो भी अच्छे से पक जाए।
सुनो, जब मम्मी बूढ़ी हो जाएगी तो इंदु पुट्टी बना के खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। देख लो इन्नू, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुमको ये वाला वीडियो दिखाऊंगी। खिलाओगे मम्मी को? अपने हाथों से बना के खिलाओगे? सच्ची? अभी बनाना सीख रहा है, दिखा दो हैंड में। दिखाओ हैंड में क्या लिए हो तुम? ये लिए आटा, लिए बनाने के लिए। तो इन्नू ना बना करके खिलाएगा मम्मी को रोटी। क्या खिलाओगे? रोटी खिलाऊंगा। रोटी खिलाओगे जब मम्मी बूढ़ी हो जाएगी? ओके ठीक है, डन बात। तो ये देखिए जो हमारी आलू मेथी की सब्जी है वो इतनी अच्छे से पक चुकी है। देखिए कलर है वो भी बहुत अच्छा आया हुआ है, और ये देखिए सब्जी भी है बिल्कुल सूखी सी, बिल्कुल अच्छी सी टेस्टी सी सब्जी दिख रही है। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, उतनी ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग भी इस सब्जी को, और विदाउट मसाले की सब्जी है, आप लोगों ने देखा है कि कम ऑयल में मैंने इसको पकाया है, और देखिए देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आप इस तरह से आप ज़रूर सब्जी को ट्राई करिएगा, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आयरन मेथी वगैरह। और देखिए लोहे कढ़ाई बनी हुई है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये लोहे के बर्तन में है, तो मैं लोहे के बर्तन में निकाल लेती हूँ, किसी दूसरे बर्तन में सब्जी हमारी पक चुकी है तो इसको दूसरे बर्तन पर निकाल लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग सुबह के 6 बज रहे हैं, और ये देखिए कुछ ऐसा मौसम है और हरा भरा सा। और इन्नू यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग ना सुबह टाइम थोड़ा सा बोलते हैं इन्नू को कि थोड़ा सा घूमा करो, क्योंकि दिन भर घर के अंदर ही रहते हो, थोड़ा सा घूम लिया करो। तो ये बस इन्नू यहाँ पे घूमने आए हुए हैं छत पर, तो ये थोड़ा सा राउंड राउंड मन का करो, 10 राउंड मारना है, तो बस यहाँ पर ये 10 राउंड मारेंगे थोड़ी देर में। जल्दी से 10 राउंड, 1 2 3 जल्दी जाओ जल्दी, 'Cause till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello everyone. तो इस समय मॉर्निंग टाइम है, और इस समय शाम सुबह मॉर्निंग में 9 बज रहे होंगे, और मेरा सारा काम हो चुका था। तो मेरे इंडोर प्लांट्स आप लोगों को दिखाए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मैंने कोने पर वहाँ पर रखे हुए हैं, और उनकी बहुत सारी होली में थोड़ा सा एक्सचेंज भी चीज़ें करनी हैं, और थोड़ी सी साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो वो क्लीनिंग की वीडियो मैं आपको लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस थोड़ी सी मैंने एक्सचेंजिंग की, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने आप लोग के साथ भी शेयर की कि पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। और आपको कैसे लगे वहाँ पर प्लांट मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। तो मैं वीडियो यहीं करती हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।